नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइव ज्ञान स्टडी में। हमारी आज की कहानी है हंसने रोने का रहस्य। समय बीतता रहा लेकिन तेजी कभी अपना सपना नहीं भूल पाया और ना ही उपहास के डर से उसने किसी को अपने हंसने रोने का रहस्य ही बताया। एक दिन चौपाल पर कुछ युवक राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तेजी ने सुना, राजा अपनी राजकुमारी के लिए वर खोज रहे हैं जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कि गौशाला में 3 गाय हैं, बताना है कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी है और कौन सी उससे बड़ी और कौन सी सबसे बड़ी। दूसरी पहेली है एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। आगे युवक कह रहे थे कि दो पहेलियाँ किसी ने सुलझा भी ली तो अंतिम शर्त तो पूरी करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंतःपुर से राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना, भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तेजी ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमनासा घर वापस आया। उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए हीराबाई ने तेजी की मनपसंद बाजरे की रोटी, चटनी और साग परोसा, लेकिन वह 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया। खटिया पर लेटा वह उहापोह में पड़ा था। माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो। तभी हीराबाई सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। अचानक तेजी को अपना सपना याद आ गया और वह हंसने लगा, लेकिन माँ खुश होती, इसके पहले ही वह रोने लगा। उस दिन हीराबाई ने कारण जाने की जिद कर ली। तेजी उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तू जानती है, मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तू मुझे जाने देगी? हीराबाई बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जा। अगले दिन तेजी राजा के दरबार में पहुँचा। राजा चिंतित थे, स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद कुछ अधिक ही कठिन थीं। अभी तक कोई युवक सफल नहीं हो पाया था। तेजी की वेशभूषा उन्हें अजीब लगी, फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उसे गौशाला में भेज दिया जहाँ 3 गाय थी। तेजी ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देखरेख में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा, 3रे दिन मैदान में घास का ढेर रखा और उसे चारों ओर से बांस और रस्सी से घेर कर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वह गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी। कई बार उछलने की कोशिश के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली बूढ़ी गाय थी। तेजी के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजपाल राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजी ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। राजा तेजी की बुद्धिमानी से चकित थे। उन्होंने उसे 3री शर्त पूरे करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजी ने हार नहीं मानी। उसने वेश बदल बदल कर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली। तेजी ने महल के पास घुड़साल में घास ले जाने वाले घसियारे से दोस्ती कर ली। घसियारा अच्छा इंसान था।
तेजी ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताईं और बोला, मुझे घास के गट्ठर में छिपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर घसियाने ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से नहीं देख सके, इसीलिए उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक जा पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजी ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है और मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वह तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मनना नहीं चाहती तो सामने रखे संदूक में छुप जाओ, वह तुम्हें नहीं खोल सकेगा। राजकुमारी के हामी भरते ही तेजपाल ने उसे संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंटें निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी, सोच रही थी कि चिल्लाकर प्रहरियों को बुलाए या संदूक को जोर जोर से पीटे। तभी मन में बिजली सा एक विचार कूंदा, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने दो शर्तें पूरी कर ली हैं और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर तो उसने मुझे नींद से डरा ही दिया था, यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोके चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी, असली बहादुरी हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब यह ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा, देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा। सिरहाने राजा की रायसी पोशाक रखी थी, उसने उसे पहन लिया और बाहर निकला। अंधेरे में प्रहरियों ने उसे राजा समझ आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना तेजी प्रहरी को आज्ञा दे रहा था। कोचवान से गाड़ी निकलवाकर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया गया। राजा का भेष धारण किए तेजपाल राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित न करे। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी, हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मांग लूंगी। तेजी राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देखकर हीराबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। वह हंसने लगा, लेकिन यह क्या, अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। राजकुमारी ने कारण पूछा, लेकिन तेजी क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया, सभी परेशान थे। अचानक राजा की नज़र पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने प्रहरियों को तेजी के घर भेजा। प्रहरी दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की चारों ईंटें राजा के सामने रख दीं। राजा ने उसी समय निश्चित ही कर लिया कि तेजी ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है, निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं। तेजी ने अपनी हिम्मत, बहादुरी और बुद्धि और
सराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजपाल के साथ कर दिया। अब तेजी अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था। उसका सपना सच जो हो चुका था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।